हमारे पास 1945 में 31 मार्च को जो तापमान है वो 40.5 रियलाइज हुआ था, और उसके बाद कल हमारे पास जो तापमान है वो 40.1 डिग्री सेंटीग्रेड रियलाइज हुआ है। तो 76 सालों बाद ये सेकेंड हाईएस्ट टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर में रियलाइज हुआ है। और अगर इसकी अगर मुख्य वजह जानना चाहते हैं तो देखेंगे कि बीते 3 दिनों में हमारे पास हवा की स्पीड में काफ़ी कमी आई थी और लगभग 7 से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएँ चल रही थी। और साथ ही साथ देखेंगे कि हमारे पास आसमान में कुछ भी बादल नहीं थे और स्काई बिल्कुल क्लियर था। इसके चलते जो सन से हमारे पास एनर्जी मिल रही है वो पूरी तरह से हमारे पास जो है कह सकते हैं कि मिल रही है, और इस वजह से तापमान में हमारे पास सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई थी और 76 सालों बाद ये सेकेंड हाईएस्ट टेम्परेचर रियलाइज किया गया। सर, अगर आज की बात करें तो आज भी स्काई क्लियर है और काफ़ी तेज़ जो धूप है वो है, तो क्या कह सकते हैं कि अभी जो टेम्परेचर है वैसा ही बरकरार रहेगा या फिर उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट में जाने की संभावना इस साल दिख रही है? देखिए, अगर हम आगे 2 से 3 दिनों की बात करते हैं तो ये तापमान हमारे पास जो है थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि कल की तुलना में आज विंड स्पीड काफ़ी वृद्धि हुई है हमारे पास, और जो लगभग 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और अगले 3 दिनों तक लगभग ऐसी सिचुएशन बनेगी। तो 1 अप्रैल तक हमारे पास तापमान थोड़ा सा गिरा रहेगा, और कह सकते हैं कि जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था वो लगभग 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगले 1 तारीख तक आ जाएगा हमारे पास।